साथियों, वैसे तो तिलक जी पूरे भारत के लोकमान्य नेता है, लेकिन जैसे पुणे और महाराष्ट्र के लोगों के लिए उनका एक अलग स्थान है, वैसा ही रिश्ता गुजरात के लोगों का भी उनके साथ है। मैं आज इस विशेष पर अवसर पर मैं उन बातों को भी याद कर रहा हूं। स्वतंत्रता संग्राम के समय वो करीब 1.5 महीने अहमदाबाद साबरमती जेल में रहे थे। इसके बाद 1916 में तिलक जी अहमदाबाद आए और आपको जानकर के खुशी होगी, उस समय जब अंग्रेजों की पूरी तरह जुल्म चलते थे, अहमदाबाद में तिलक जी के स्वागत में और उनको सुनने के लिए उस जमाने में 40,000 से ज्यादा लोग उनका स्वागत करने के लिए आए थे। और खुशी की बात यह है कि उनको सुनने के लिए उस समय ऑडियंस में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। उनके भाषण ने सरदार साहब के मन में एक अलग ही छाप छोड़ी। बाद में सरदार पटेल अहमदाबाद नगर पालिका के प्रेसिडेंट बने, म्युनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट बने। और आप देखिए उस समय के व्यक्तित्व की सोच कैसी होती थी। उन्होंने अहमदाबाद में तिलक जी की मूर्ति लगाने का फैसला किया, और सिर्फ मूर्ति लगाने का फैसला किया नहीं, उनके निर्णय में भी सरदार साहब की लोह पुरुष की पहचान मिलती है। सरदार साहब ने जो जगह चुनी वो जगह थी विक्टोरिया गार्डन। अंग्रेजों ने रानी विक्टोरिया की हीरक जयंती मनाने के लिए अहमदाबाद में 1897 में विक्टोरिया गार्डन का निर्माण किया था, यानी ब्रिटिश महारानी के नाम पर बने पार्क में उनकी छाती पर सरदार पटेल ने इतने बड़े क्रांतिकारी लोकमान्य तिलक की मूर्ति लगाने का फैसला कर लिया। और उस समय सरदार साहब पर इसके खिलाफ कितना ही दबाव पड़ा, उन्हें रोकने की कोशिश हुई, लेकिन सरदार तो सरदार थे। सरदार ने कह दिया वो अपना पद छोड़ देना पसंद करेंगे, लेकिन मूर्ति तो वहीं पर लगेगी। अब वो मूर्ति बनी और 1929 में उसका लोकार्पण महात्मा गांधी ने किया। अहमदाबाद में रहते हुए मुझे कितनी ही बार उस पवित्र स्थान पर जाने का मौका मिला है और तिलक जी की प्रतिमा के सामने सर झुकाने का अवसर मिला है। वो एक अद्भुत मूर्ति है जिसमें तिलक जी विश्राम मुद्रा में बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे वो स्वतंत्र भारत के उज्जवल भविष्य की ओर देख रहे हैं। आप कल्पना करिए, गुलामी के दौर में भी सरदार साहब ने अपने देश के सपूत के सम्मान में पूरी अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दे दी थी। और आज की स्थिति देखिए, अगर आज हम किसी एक सड़क का नाम भी किसी विदेशी आक्रांता की जगह कर बदलकर भारतीय विभूति पर रखते हैं तो कुछ लोग उस पर हल्ला मचाने लग जाते हैं। उनकी नींद खराब हो जाती है। साथियों, ऐसा कितना ही कुछ है जो हम लोकमान्य तिलक के जीवन से सीख सकते हैं। लोकमान्य तिलक गीता में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति थे, वो गीता के कर्मयोग को जीने वाले व्यक्ति थे। अंग्रेजों ने उन्हें रोकने के लिए उन्हें भारत के दूर पूरब में
मांडले की जेल में डाल दिया, लेकिन वहां भी तिलक जी ने गीता का अपना अध्ययन जारी रखा। उन्होंने देश को हर चुनौती से पार पाने के लिए गीता रहस्य के जरिए कर्मयोग की सहज समझ दी, कर्म की ताकत से परिचित करवाया।